देखिए जो बोर्ड देख रहे हैं इसमें आपको ये 3 वोल्ट की शॉर्टिंग है, ये 3 वोल्ट की शॉर्टिंग है। और अभी जो हम इसमें ये देखेंगे कि 3 वोल्ट की शॉर्टिंग में कहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, उसको हम थर्मल कैमरा से कैसे इमेजिन करें, उस प्रोसेस को हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर ये थर्मल कैमरा का सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कुंडली का थर्मल कैमरा है। तो अभी देखिए 3 वोल्ट की शॉर्टिंग है, तो मैंने 3 वोल्ट के पाथ पे एक जम्पर कर दिया है ना, जस्ट ये दिखाने के लिए है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, और डीसी को ऑन करता हूँ। अब देखिए डीसी को मैंने ऑन किया, तो डीसी का जो वोल्टेज है अभी मैंने 1 वोल्ट अप्रॉक्स रखा हुआ है। तो 1 वोल्ट अप्रॉक्स पे देखिए इसका जो एम्पियर है 195 एम्पियर पे है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग तो है ना। अब शॉर्टिंग कहाँ है, उसको हम कैसे पकड़े, तो उसका टेक्निक यही है कि अभी आप अगर देखेंगे तो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर देख सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी 32 डिग्री के आसपास है। तो आपको ये समझना है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री है ना, वही आपके बोर्ड का भी टेम्परेचर है, तो अगर मेरे बोर्ड पर इस टेम्परेचर से ज़्यादा कहीं पे मिले तो वो चीज़ हमारा डाउट में आ जाएगा। तो अभी मैंने वोल्टेज ज़्यादा नहीं दिया है, मैंने 1.3 वोल्ट दिया है। मैं केवल इतने ही वोल्ट पे देखने की कोशिश करता हूँ। आप बोलेंगे इससे ज़्यादा वोल्टेज क्यों नहीं दिया, तो फिर थर्मल कैमरा का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट इंजेक्ट कर दूँ, तब तो हम हाथ से भी छू के पता चल जाएंगे, तो फिर 50,000 का थर्मल कैमरा लेने की क्या ज़रूरत है, फिर बेवकूफ़ बनाने वाला आइटम हो गया ये, है ना। तो इसकी जरूरत तभी है जब हम लो वोल्टेज दें, ताकि लो वोल्टेज दे रहे तो हमारा पीसीएच हो गया, इन सब का डैमेज होने का कम चांस रहता है, खास करके एसओसी बोर्ड पे, है ना। तो देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो कोशिश करता हूँ प्रोसेसर के आसपास मैं देख रहा हूँ, टेम्परेचर मेरा देखिए, जैसे ये थोड़ा सा लाइट अप दिख रहा है, यहाँ का टेम्परेचर मुझे बता रहा है ये 34 डिग्री। तो एक यहाँ पर इंडिकेशन जा रहा है ये चीज़ आपका शॉर्ट हो सकता है, ये क्या है देखना पड़ेगा। देखिए एक इंडिकेशन यहाँ पर हमारा जा रहा है, अगर मैं देखूँ इसका टेम्परेचर यहाँ पे, ये देखिए 29 डिग्री तक जा रहा है, जबकि हमारे बोर्ड का बाकी पार्ट का टेम्परेचर अभी 21 डिग्री है। तो एक सस्पेक्टेड यहाँ पर जा रहा है मेरा कि हाँ शायद मे भी यहाँ का कोई इशू हो। तो हम और भी ज़्यादा देखेंगे इस तरह, मतलब टेक्निक यही है, इस तरह करके करके आप देखते रहोगे कि कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। जाहिर सी बात है 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो ये वोल्टेज जहाँ जहाँ गया है वो चीज़ आपका अभी हीट हो रहा होगा। देखिए जैसे कि ये लाइट अप दे रहा है, तो आपका सस्पेक्टेड ये भी हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 43 डिग्री आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि थर्मल कैमरा का यही यूज होता है कि आपने यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया है, उसके बाद इस लाइन में जो जो चीज़ शॉर्ट हो रही है आप देखो कि मैक्सिमम टेम्परेचर हीटअप कहाँ देख रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 41 तक जा रहा है। अभी जो भी आइटम है हमें इसको देखना पड़ेगा ये कौन सा आइटम है, उतना हीटिंग तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हीटिंग है, है ना। यहाँ पर तो कोई ऐसी हीटिंग नहीं लग रहा, लेकिन ये बता रहा है ये। अब ये मेरे को लग रहा है शायद ये ट्रैक है, ये जो हम देख रहे हैं ट्रैक का इंडिकेशन यहाँ पर ऐसा लग रहा है। कहाँ गया ये, बैक साइड से भी हो सकता है? हाँ मे बी बैक साइड में भी हो सकता है, है ना। तो एक बार मैं बैक साइड पर भी लेके जाता हूँ इसको, बैक साइड में देखता हूँ, पहले यहाँ देख लेता हूँ आसपास। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे को रेड रेड नज़र आ रहा है। एक बार बैक साइड आता हूँ, डाउट हमारा पीसीएच पे भी जाता है। एक बार पीसीएच पे देखिए, ये हमारा पीसीएच है, यहाँ का टेम्परेचर भी देखिए 29.5 पे जा रहा है। तो एक सस्पेक्टेड मुझे ये लग रहा है, यहाँ पर मैं देखूँ इसके कोने में हल्का सा हीटअप हो रहा है क्या, तो उतना आइडिया तो नहीं लग रहा है, है ना, कोई हीटिंग ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी क्या है मेरा बॉडी का टेम्परेचर खुद 32 डिग्री है, तो मुझे ये हीटअप नज़र आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, ताकि मेरे पर्टिकुलर जो चीज़ हीट हो रहा है उसका भी टेम्परेचर मेरे बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। तो उसके लिए मैं एक बार करता हूँ, इसका वोल्टेज मैं बढ़ाता हूँ। ये 2 वोल्ट पे मैंने किया, 2 वोल्ट पे किया, तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हो यहाँ पर टेम्परेचर मेरा 43 पे गया है, और अब शायद मुझे हीटिंग लगे। हल्का सा हीटिंग लग रहा है, हल्का सा हीटिंग ऐसा तो लग रहा है कि हाँ कुछ हीटअप हो रहा है यहाँ पे, और कोने में, बिल्कुल कोने में, जैसा कि दिखा रहा ना कोने में, बिल्कुल कोने में लग रहा है ना।
तो यहाँ का टेम्परेचर अभी इसने ले लिया 46 डिग्री, और कहीं का टेम्परेचर मैं देखना चाहूँगा, और कहीं पे देखिए। अब यहाँ पर एक सिस्टम हमारे पास ये भी है, कहाँ गया हमारा हाई टेम्परेचर अलर्ट, अब मैं देखता हूँ कहाँ पे मेरा अलर्ट देता है। सायरन टोन भी बजने लगा, मतलब ये इंडिकेशन कहाँ का दे रहा है, यहीं का दे रहा है सायरन टोन जो बजा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, टेम्परेचर मेरा सायरन टोन देना बंद हो गया, और जैसे मैं यहाँ पे ला रहा हूँ फिर से ये इंडिकेशन यहीं के लिए है, और कहीं के लिए इंडिकेशन है क्या मैं देखता हूँ, है ना। देखिए अभी और कहीं नहीं आ रहा है, और कहीं, क्योंकि मेरा जो सायरन टोन है 50 डिग्री पे मैंने सेट कर रखा है, तो जहां भी 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है वहां पर इंडिकेशन दे रहा है। एक बार बैक साइड में भी देखूंगा, है ना, ये फोर्थ जनरेशन बोर्ड है, तो फोर्थ जनरेशन के बोर्ड में ये स्मॉल पीसीएट आता है, यहीं पर सारे के सारे हीटिंग है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, मुझे यहीं पर डाउट जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा दूँ इसका, केवल समझाने के लिए, अभी मैंने 3.3 वोल्ट कर दिया, अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 56 डिग्री हो गया। दैट मीन्स मेरी शॉर्टिंग क्या है, पीसीएच नहीं है, तो इस बोर्ड पे ज़्यादा वक्त देना बेकार है, पीसीएच शॉर्ट है, है ना। तो इस बोर्ड को हम कस्टमर को बैक दे सकते हैं, अगर आप पीसीएच रिप्लेस कर सकते हो तो पीसीएच को रिप्लेस करके देख लो, अदरवाइज हमारा क्लियर कट है तो हमारा यहाँ पर पीसीएच जा चुका है, कोई नहीं, नॉर्मल है यहाँ पर 28 डिग्री है ये लाइट अप, कोई नहीं है, मतलब जो भी डाउट है वो पीसीएच पे, जैसे मैं पीसीएच की साइड में लेके आता हूँ देखिए यहाँ पर सायरन टोन देना शुरू कर देता है, है ना। टेम्परेचर देखिए आपका 77 पे पहुँच गया, और अगर मैं छू के भी देखूँ लग रहा है हल्का सा हीटर लग रहा है, देखो छू के देखो, देखो कोने में छूना, कोने में बिल्कुल यहाँ पे इस साइड हीटर फोर है ना। तो कुल मिलाकर इसको यूज करने का यही तरीका है, आप अपना बॉडी टेम्परेचर का भी ख्याल रखो, रूम टेम्परेचर का भी ख्याल रखो, उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है ना। बंद हो गया, जैसे हम इसका साइड चेंज करते हैं ना, ये हमारा बंद हो जाता है, मतलब सायरन टोन देना बंद हो गया, ठीक है ना। तो अगर लगातार प्रैक्टिस किया जाए इस कैमरे के ऊपर, है ना, तो शॉर्टिंग का केस निकालना इजी हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम केस नहीं भी निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए पीसीएस शॉर्ट है, एसओसी शॉर्ट है, तो उसमें क्यों हम समय बर्बाद करें, है ना। इस टाइप का जो इशू होता है ना, वो आपको जल्दी पता चल जाता है कि हाँ मेरा पीसीएच पर्टिकुलर शॉर्ट है, अब मेरे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं पीसीएच रिप्लेस करूं, मेरा एसओसी शॉर्ट है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं एसओसी रिप्लेस करूं, तो हम कस्टमर को फिर उस हिसाब से, है ना, टॉयलेट कर सकते हैं कि इसमें ऐसी दिक्कत है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और हमारा टाइम का भी बचत है, है ना। तो कुल मिला के सजेस्ट करूंगा मैं थर्मल कैमरा, अगर आपके पास पैसा है तो आप थर्मल कैमरा ले सकते हो, है ना। अगर आपका सर्विस सेंटर अच्छा खासा चलता है ना, महीने की लाख रुपए की आमदनी है, तो आप इन्वेस्ट करिए अपने 50,000 रुपए करें इस थर्मल कैमरा के ऊपर। बाद बाकी देखो टूल्स तो बहुत सारे हैं, तो जितना आपके पास अमाउंट आता है उस हिसाब से ये भी है, माइक्रोस्कोप भी है, डीएसओ भी है, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उस हिसाब से बोलूँ तो इसको पहले प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं प्रायोरिटी दूंगा आप डीएसओ पहले लो, आप आयो प्रोग्रामर बायोस प्रोग्रामर पहले लो, है ना, माइक्रोस्कोप इससे पहले लो, इसको आप लास्ट प्रायोरिटी के तौर पर रख सकते हो, इसको आप लास्ट प्रायोरिटी के तौर पर रख सकते हो, है ना। क्योंकि क्या है ना कि एज ए फ्रेशर आपके पास समय बहुत है जी सर, जल्दी काम करने का तो है नहीं, तो ये किस में हेल्प करेगा आपका, जल्दी सॉल्यूशन देने में, आपको जल्दी अंडरस्टैंड करने में कि हाँ मेरा पीसीएच का दिक्कत है, तो चलो अब हमें आगे नहीं बढ़ना, और अगर कहीं और शॉर्टिंग है तो हम अपना जो पुराना टेक्निक है वो भी जानते हैं। एक और आपके पास यूजफुल आइटम होता है मिली ओम मीटर, समय है आपके पास तो मिली ओम मीटर का भी यूज करके आप शॉर्टिंग को पकड़ सकते हो, है ना। तो कुल मिला के यही है थर्मल कैमरा का, बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह आपने देख ही लिया कैसे इंस्टॉल होता है, क्योंकि यही होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम इसको परचेज करते हैं, किसी से भी परचेज करो, है ना, सपोर्ट चाहिए होता है स्टार्टिंग में, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, उसका सपोर्ट चाहिए होता है। आप अचानक से मार्केट में जाओ और मार्केट से परचेज करके ले आओ
हो सकता है कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हो, है ना, कैसे हमने देखा अभी, है ना। तो आज के लिए इतना ही।